अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। ये आप किसी भी चाइनीज ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। ये जैसे बाजार से मिलते हैं इसी तरह मैं आपको सिखाऊंगी। आज सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। 4 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूंगी। एक अंडा लिया है मैंने, इसके अंदर मैं फूड कलर ऐड करूंगी येलो, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ऑयल गर्म हो चुका है, आप इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। अंडे को पका लेना है, इसको ऐसे तोड़ के पकाना है। अब इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। गाजर लिए मैंने आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, इनको मैंने चॉप किया है। इनको हल्का सा पकाएंगे। सब्जियों को मैंने हल्का सा पका लिया। अब इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। चावल 1 गिलास लिए थे मैंने। अब इनको मिक्स करेंगे सब्जियों के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने सफेद मिर्च ली है पीसी हुई, 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। ये इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है इसकी। फ्राइड राइस तैयार है। अब इनकी मैं आग बंद कर देती हूँ और इनको एक प्लेट में निकाल दी। फ्राइड राइस तैयार है। ये बहुत ही मजे के बनते हैं। आप किसी भी चाइनीज ग्रेवी के साथ इसको खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।